डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। आज राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी महासंघ की तरफ से पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा आज ज्ञापन का प्रोग्राम था, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रत्येक जिले में और प्रत्येक ब्लॉक में हमारा ये कार्यक्रम तय समय में निश्चित तय किया गया था, जिसमें सबसे पहला प्रमुख बिंदु जो हमारा है, जो मार्च में COVID-19 के तहत हमारी वेतन जो काट दिया गया था 16 दिन का, उसको स्थगित करके हमें पुनः उससे राहत प्रदान कराए। दूसरा मुद्दा जो हमारा अभी ट्रांसफ़र करा, उसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वंचित रखा गया, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाए, उनके भी ऑनलाइन फॉर्म भरवा जाए, और प्रबोधकों को भी इससे वंचित कर दिया गया तो प्रबोधकों को भी ये मौका दिया जाए, और जो पुरुष महिलाएं हैं, जो एकल महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो दूसरे अन्यत्र जिले में बैठे हैं, उन्हें अपने गृह जिले में भेजा जाए। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हमारा, अभी कोविड चल रहा है और कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पंचांग हमारा शिविरा है, शिक्षकों की जो शिविरा होती है, एक अक्टूबर से हमारा समय परिवर्तन हो जाएगा 10 से 4 बजे, तो ये 10 से 4 बजे का समय न रखकर हमारा जो अभी समय चल रहा है 7:30 बजे से लेकर 1 बजे, उसे यथावत रखा जाए, ये तमाम हमारी जो मांगे हैं। दूसरा, हमारी जो अभी प्रत्येक महीने में वेतन काटने की आदेश जारी कर दिए गए हैं, सरकार का ये जो आदेश है इसको भी पुनः वापस लेके हमें राहत दिया जाए, क्योंकि शिक्षक वैसे ही बहुत सारी जो समस्या जुड़ रहा है, और हमने पूरे कोविड में हमारे सारी शिक्षकों ने अपने सरकार के साथ में कार्य किया है, तो हमें इस तरह से राहत दिलाए, ये हमारी मांग है। आज हमने सबसे पहले तो ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में जाकर कर दिया, उसके बाद में जिला स्तर पर जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर को देकर आए हमने। रोशनदीप श्रीमाल।